दोस्तों, बहुत से लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि 10 में से अगर हम किसी एक पर हाथ रखते हैं या 100 में से एक चीज चुनते हैं तो यह मात्र इत्तेफाक नहीं होता। इसके पीछे हमारी नियति होती है। हमारा भविष्य उसी एक चीज से तय होता है जिसका हम चयन करते हैं। इसे आप अपना स्पिरिट सिंबल कह सकते हैं। इस तस्वीर में 6 आकृतियां प्रदान की गई हैं। आप इनमें से किसे चुनते हैं ये आपके बारे में बहुत कुछ बताती है। तो चलिए इस टेस्ट में भाग लेकर जान लीजिए अपने बारे में कुछ दिलचस्प बातें। तो चुने अपने पसंद की एक आकृति। पहली आकृति। अगर आपको इन सभी में से पहली आकृति पसंद आती है तो ब्रह्मांडीय शक्तियां आपसे यह कहना चाहती हैं कि आपने जो करना था कर लिया, जो होना था हो गया। अब बस आराम से बैठकर फल खाने का समय है। आप हमेशा दूसरों के लिए जीते हैं, लेकिन अब आपको अपने लिए जीने का अवसर प्राप्त होने वाला है। दूसरी आकृति। यह आकृति आपको संदेश देती है कि यह समय समाज और प्रकृति से कट कर रहने का नहीं है। आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि इस ब्रह्मांड में हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इंसान, जानवर, प्रकृति, सब कुछ एक दूसरे से संबंधित हैं। जिन बदलावों की आप अपेक्षा करते हैं उसकी शुरुआत स्वयं से ही करें। तीसरी आकृति। आपने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आपने बहुत मेहनत कर ली है, अब आराम करने का समय है। कोई ऐसी ट्रिप प्लान करें जो आपके लिए रोमांचक अनुभव साबित हो। आप अपने दिल को अपना मार्गदर्शक बनने दीजिए। चौथी आकृति। बाहरी दुनिया को भूल जाएं और अपने भीतर ध्यान दें। जीवन में भौतिक वस्तुओं से इतना ज्यादा जुड़ाव रखना बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपको ध्यान और योग की आवश्यकता है। आपको अपने भीतर छिपी वास्तविकता को पहचानना चाहिए। पांचवी आकृति। आपको अपने आसपास सीमा रेखा बनाने की जरूरत है, क्योंकि कभी कभी बाउंड्री वॉल आपके फायदे के लिए ही होती है। ऐसे लोग या ऐसी स्थितियां जो आपके वश से बाहर हैं, उन पर ध्यान देने या उनके विषय में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। छठी आकृति। आपको बहाव के साथ ही बहने की जरूरत है। हर किसी से लड़ना झगड़ना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके किसी काम का नहीं है। जल्दीबाजी में निर्णय लेना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी आप हमें जरूर बताएं और अपने दोस्तों और संबंधियों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।